यार वो कितना अच्छा गाना है ना ये। किसी नॉर्मल शादी की बात करें या फिर किसी वीआईपी शादी की, जैसे विराट कोहली अनुष्का शर्मा की शादी की। पिछले 2 साल से ये गाना आज लगभग शादियों में एक दुल्हन का एंट्री सॉन्ग होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इस बेहद खूबसूरत से गाने के पीछे आखिर कौन है, वो खूबसूरत सी आवाज किसकी है? दिन शगना दा, नच दे सारे और लव यू जिंदगी जैसे कई सुपरहिट गानों की आवाज जसलीन रॉयल एक भारतीय सिंगर और म्यूजिक कंपोजर है। दोस्तों, जसलीन का जन्म 8 जुलाई 1991 में पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ और यहीं के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से इनकी स्कूली पढ़ाई हुई। स्कूल के दिनों से ही जसलीन बड़े होकर एक म्यूजिक कंपोजर बनना चाहती थी। वैसे तो जसलीन ने संगीत की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन अपने स्कूल में यहाँ के म्यूजिक टीचर से कभी कभी कुछ कुछ चीजें पूछ लिया करती थी। यूं ही म्यूजिक से रिलेटेड जो कोई भी मिला उससे थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हुए, खुद से एक्सपेरिमेंट्स करते हुए पियानो, गिटार और हारमोनिका यानी कि माउथ ऑर्गन बजाना शुरू कर दिया। उन दिनों जसलीन ने कभी सिंगर बनने का नहीं सोचा था, लेकिन अब धीरे धीरे गिटार पियानो के साथ गाना गुनगुनाना भी इन्हें अच्छा लगने लगा था। स्कूल कॉलेज के प्रोग्रामों में अब इनकी अलग सी आवाज सबके सामने आने लगी थी। एक दिन जसलीन ने कहीं पर किसी का एक वीडियो देखा जिसमें कोई गिटार और माउथ ऑर्गन एक साथ प्ले कर रहा था। इन्हें यह स्टाइल इतनी अच्छी लग गई कि इन्होंने ठान लिया कि उन्हें भी कुछ ऐसा करना है। आंखों में लेकर सपने, संगीत में होते अपने लीन, कुछ अलग करने की धुन में अब निकल पड़ी थी जसलीन। साल 2009 की बात है, हिंदू कॉलेज नई दिल्ली से बीकॉम ऑनर्स करने के दौरान एक रियलिटी शो आया जिसका नाम था इंडियाज गॉट टैलेंट। 18 साल की उम्र में पियानो या गिटार के साथ ही माउथ ऑर्गन प्ले करते हुए किसी गाने को गाना, अपने इस टैलेंट के कारण वन वूमेन बैंड के रूप में जसलीन इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 1 में सेलेक्ट हो गई, जहां इनका सफर सेमीफाइनल राउंड तक चला। एक पहचान मिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब आगे क्या, म्यूजिक को कैसे करियर बनाए, ये सवाल जसलीन को अभी भी परेशान कर रहा था। साल 2013 में जसलीन ने शिव कुमार बटालवी जी की कविता पर आधारित अपना सिंगल पंछी हो जावा रिलीज किया। इस गाने को एमटीवी वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में उस साल का द बेस्ट इंडी सॉन्ग चुना गया। ये गाना कुछ इस कदर लोगों तक पहुंच गया कि जसलीन को अब गीतकार स्वानंद किरकिरे जी के साथ मायनी गाना गाने का मौका मिल गया। और इसके कुछ ही दिनों के बाद साल 2014 में फिल्म खूबसूरत के गाने प्रीत को गाकर जसलीन ने बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया। बतौर म्यूजिक कंपोजर जसलीन ने पहली बार फिल्म बार बार देखो में काम किया। आज जसलीन अपनी अलग आवाज, अलग सिंगिंग स्टाइल और अपने अलग म्यूजिक के कारण हम सभी को अपने संगीत का दीवाना बना चुकी हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।